हेलो फ्रेंड्स अ अवोम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सीरीज़ ऑफ़ प्रम्स मैच सीरीज करंट अफेयर्स आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे आज ये न्यूज़ वीडियो टेन का पार्ट वन होगा और इसमें हम लोगों ने नाइन्थ वीडियो भी देखी थी जो इकोनॉमिक से इकोनॉमिक के न्यूज़ से जुड़ी हुई थी और उसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड किया जाएगा डेफिनेटली नाउ वॉट वी आर डूइंग टूडे इज़ रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ तो आपको मैं बता दूं कि जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर पिछले जो तीन चार वीडियो आए हैं काफी रिलेवेंट है उसको जरूर देख लें तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं देखिए इस डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे जैसे कि आईएनएस एन कलवरी खंडेरी जो मिसाइल नाक के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है रुकमिनी क्या है ये जान लेंगे आकाश मिसाइल क्या है ये सारे न्यूज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ द फर्स्ट न्यूज़ आई एन एस कालवरी और फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आई एन एस कालवरी आपने इसको पहले भी पढ़ा है कई बार पढ़ा है तो देखिए ये क्या है ये फर्स्ट इंडिजिनसली स्कॉर्पियन क्लास स्टील सबमरीन है ठीक है आपको याद होगा हमारा एक सिक्स स्कॉर्पियन सबमरीन को बनाने का प्लान है जिसको प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव का नाम दिया गया है याद रखिएगा प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव इज रिलेटेड टू द सबमरीन्स इसमें सिक्स स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनने वाली हैं और इसका जो फर्स्ट क्लास सबमरीन है दैट इज़ आई कालवरी इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि कालवरी का नाम कहाँ से आया है तो याद रखिएगा इसका नाम टाइगर शार्क से लिया गया है कालवरी ठीक है ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है सेकेंड इंपॉर्टेंट इसको किसने बनाया है तो याद रखिएगा मज डॉक लिमिटेड और आपको एक बात बता दूं कि जितने भी सबमरीन्स हैं सिक्स सबमरीन्स वो मजगा डॉक लिमिटेड ही बनाने वाला है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के अंतर्गत इसमें कुछ टेक्नोलॉजी है जहां जिसकी की हेल्प ली गई है फ्रेंच नेवल डिफेंस से तो याद रखिएगा आई एस कलवरी जो है वो फर्स्ट क्लास स्टील सबमरीन है इसके अलावा खांडेरी इसी सीरीज की सेकेंड स्कॉर्पियन है सेम एज इसको भी मजगा डॉक लिमिटेड ने ही बनाया है और इसके बाद तीसरा जो सबमरीन है दैट इज करंज करंश याद रखेगा ये तीसरे नंबर पर बनाई गई स्कॉपिन मेरी का नाम मराठा फोर्सेस के नाम पे रखा गया है आइलैंड फोर्ट ऑफ मराठा फोर्सेस उनके नाम पे खांडेरी का नाम रखा गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है काल्वरी खांडेरी करंज ये एक सीरीज में बनाई गई सबमरीन है और तीन सबमरीन्स अभी तक बन चुकी है चौथा भी प्रोजेक्ट में है और इसके अलावा दो और बनने वाले हैं तो ओवरऑल सिक्स सबमरीन्स बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के अंतर्गत कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव क्या है ठीक है नेक्स्ट है पृथ्वी टू मिसाइल पृथ्वी टू मिसाइल क्या है हमने कई बार डिस्कस किया है सबसे पहले याद रखें इट इज़ अ सर्फिस टू सरफिस बैलिस्टिक मिसाइल भूलना नहीं है ना बैलिस्टिक को भूलना है ना ही सरफेस टू सरफेस सर्फिस्ट को भूलना है तो पृथ्वी टू मिसाइल क्या है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है डेफिनेटली इंडिजिनसली डेवलप्ड है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग वॉर हेड्स वेइंग फाइव हंड्रेड के जी टू वन थाउजेंड के जी तो पाँच सौ किलोग्राम से लेकर के वन थाउजेंड किलोग्राम तक का वॉर हेड ये ले जा सकती है एंड स्ट्राइकिंग रेंज इज 350 किलोमीटर याद रखिएगा फ्री पृथ्वी टू की स्ट्राइकिंग रेंज कितनी है 350 किलोमीटर है एंड इट इज पावर्ड बाय द ट्विन इंजन विच यूज लिक्विड प्रिपिल्स एंड इट इज द फर्स्ट टू बी डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ याद रखना इसको किसने बनाया है डी ने बनाया है और हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है दैट इज टेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसी के तहत पृथ्वी टू को भी डेवलप किया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एयर इंडिपेंडेंट प्रपलजन बहुत इंपॉर्टेंट फिर से एयर इंडिपेंडेंट प्रपलजन क्या होता है क्यों पढ़ना चाहिए हमें इसे तो नेवी इज प्लानिंग टू इंस्टॉल एयर इंडिपेंडेंट प्रपलजन मॉड्यूल्स ऑन सिक्स स्कॉर्पियन सबमरीन स्कॉर्पियन सबमरीन में इसको लगाया जा रहा है जो इंडिपेंडेंट प्रपोजन है इंडिपेंडेंस से याद रखेगा ये किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है याद रखिए कहाँ पे लगाया जा रहा है स्कॉर्पियन में लगाया जा रहा है आपको इस वक्त ऐसे पढ़ना है जैसे कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए बिकॉज एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल से आप ये नहीं गेस कर पाएंगे किस चीज़ से जुड़ा हुआ और यूपीएससी याद रखेगा बहुत क्रिटिकल सवाल नहीं पूछती है बहुत ही सफेद से कई बार क्वेश्चन पूछती है और हम उसको गेस नहीं कर पाते हैं तो एयर इंडिपेंडेंट परपज रिलेटेड टू द सबमरीन उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है नेवी के द्वारा इसका कारण क्या हो सकता है क्यों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज आपको याद होगा जो सबमरीन्स काम करती है वो पानी के अंदर होती है लेकिन उसको ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है यानी एयर को फुलफिल करने के लिए उसको ऊपर आना पड़ता है तो सबमरीन का काम क्या होता है कई बार ये वॉर वगैरह में यूज़ की जाती है सबमरीन्स और इसका काम होता है छुप करके देखना कि दुश्मन कहाँ से अटैक कर रहे हैं या एस्पेक्ट बताया इसके वैसे तो बहुत सारे काम और भी हैं तो अब अगर उसको बाहर आना पड़ता है एयर लेने के लिए तो हो सकता है कि ये बात दुश्मन को पता चल जाए और सब मरीन का जो रिलेवेंसी है वो ख़त्म हो जाए इसके लिए नेवीज़ को और हाई टिल्स बनाने के लिए इसमें एयर इंडिपेंडेंट पर्पल का इस्तेमाल करने वाली है याद रखिएगा इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा सब स्कॉर्पियन में सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा एंड इसका काम क्या होगा इसका काम होगा जो एयर की नीड होती है उसको फुलफिल करना मतलब बार बार इस बार सबमरीन को पानी पे ऊपर ना आना पड़े एंड इट इज बेस्ड ऑन द कम्बेशन ऑफ स्टोर्ड ऑक्सीजन एंड इथनॉल चौगेमेंट बैटरी पावर्ड प्रोपल्सन इसके ऊपर ये काम करेगी तो इंपॉर्टेंट है बस थोड़ा सा याद रखे किस चीज से जुड़ा हुआ है क्या है इसका काम क्या हो सकता है दैट इज टॉपिक इज थर्ड थर्ड का नाम कई बार हमने सुना है न्यूज में रहा था काफी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के चक्कर में थर्ड किसका है यूएसए का है बस इतना याद रखिएगा टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया इज एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट बिल्कुल क्लियर है याद रखना है इसको इट इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट डिस्ट्रॉय शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है थर्ड इज रिलेटेड टू यूएसए दैट इज एस थिंग दैट्स इट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग अब एग्जाम में कैसा आएगा दैट्स वहां पे सिर्फ नाग आएगा कि नाग क्या है इट वॉज ए न्यूज ठीक है हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है तो याद रखना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इट इज द थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉगेट याद रखना है फायर एंड फॉगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको कि नन अदर दैन डी ने बनाया है याद रखना है तीन बातें यहाँ पे याद रखिए नाक के लिए पहली बात ये डी के द्वारा बनाई गई है दूसरी बात कि फायर फायरिंग करती है और तीसरी बात की एंटी टैंक है गाइडेड मिसाइल है ठीक है इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड एंड एयर एयरबेस प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है लैंड और एयरबेस दोनों जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है द मिसाइल हैज़ बिन इक्विप्ड विद अ हाईली एडवांस्ड इमेज इनफ्राइट रडार जाहिर सी बात है मिसाइल है एडवांस चीज़ें होंगी रडार होंगी जैसे कि हम ईजिली डिटेक्ट कर पाएंगे मैं हेलिना भी पूछा सकता है कि हेलिना क्या है तो हेलिना इज नथिंग बट द हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन नोन एज हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग बस यही है हेलिना अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है हेली से हेलीकॉप्टर याद रखेंगे और ना से नाग याद रखेंगे ठीक है हेलिना दैट इज़ हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है रुक्मिनी रुक्मिनी अब अगर ऐसे एग्जाम में आता है रुक्मिनी जैसे लिखा हुआ होगा तो क्या आप कुछ गेस कर पाएंगे कुछ क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो भी देख लेते हैं एक रुक्मिनी क्या है रुक्मिनी को जी साट सेवन में बोलते हैं अब आपको याद आ गया होगा जी सेट सेवन आपने पढ़ा होगा कई बार क्योंकि टू थाउजेंड थर्टीन में ही ये आया था न्यूज में उसको लॉन्च किया गया था तो जी सेट सेवन को ही रुक्मिनी बोला जाता है और ये ट्री सैटेलाइट है याद रखिएगा जी साट सेवन क्या है एक मिलिट्री सैटेलाइट है दैट मीन्स रुक्मिनी इज वॉट इट इज अ मिलिट्री सैटेलाइट इसको क्यों लॉन्च किया गया था टू थाउजेंड थर्टीन में टू मॉनिटर द इंडियन ओशन रीजन आई ओ आर इंडियन ओशन रीजन को मॉनिटर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था याद रखेगा एंड मल्टी बैंड कम्युनिकेशन कम सर्वेलेंस सेटेलाइट अगर आता है कि ये क्या है तो ये कम्युनिकेशन एज वेल एज सर्वेलेंस सेटेलाइट है तो जाहिर सी बात है जो हमारा इंडियन ओशन का रीज़न है वहाँ पे हमारा जो फुटप्रिंट है वो ज़्यादा हो वहाँ पे मिलिट्री की पहुँच ज़्यादा हो इसके लिए सेटेलाइट को छोड़ा गया था इसके अलावा इसका एक और काम है आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में तो सर्वेलेंस करती ही है इसके अलावा इट इज़ कैपेबल टू सर्वेलेंस द पर्शियन गर्ल्व टू मलक्का स्ट्रेट याद रखिएगा इसका रेंज बहुत बड़ा है सिर्फ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ही नहीं बल्कि पर्शियन गल्फ से लेकर के मलक्का स्ट्रेट तक का इसका रेंज है

कि हम बहुत जल्दी में होते हैं एग्जाम में बहुत ही पैनिक कर रहे होते हैं और हम गलत कर देते हैं तो अनमैन्ड टैंक है नाम है मंत्रा किसके द्वारा बनाया गया है डी के द्वारा बनाया गया याद रखना है इसको आपको इसके कई सारे और वेरियंट्स है जैसे कि मंत्रा एस जिसको कि बनाया गया है सर्वेलेंस मिशन के लिए मंत्रा एम जिसको बनाया गया डिटेक्टिंग माइनिंग के लिए एन जिसको बनाया गया है न्यूक्लियर रेडिएशन के लिए तो ये एन एम और एस से तो ये आप गेस कर लेंगे एस फॉर सर्वेलेंस एम फॉर माइनिंग एन फॉर न्यूक्लियर रेडिएशन कैर इसको चेक करने के लिए इसको बनाया गया तो अगर एग्जाम में आएगा तो उसका इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि ये जो अनमेन टैंक है इसको किस किस काम में हम लगा सकते हैं तो आप इस एस एम एन से गेस कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड फर्स्ट लेजर वेपन देखिए जब वर्ल्ड फर्स्ट कुछ आ जाता है तो पढ़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है हालांकि क्वेश्चन तो नहीं पूछती यूपीएससी कई बार तो बट क्या है ये वर्ल्ड का पहला लेजर वेपन क्या है क्या ये इम्पोर्टेंट हो सकता है इम्पॉर्टेंट पहला तो इसलिए है बिकॉज कि ये पहला है और दूसरा इसलिए है बिकॉज ये यूएसए का है USA, USA ने इसको लॉन्च किया है और क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि किसके पास है इंडिया का है या रशिया का है या चाइना का है तो ये यूएस का है यूएस ने लॉन्च किया है पहला लेजर वेपन नोन एज लेजर वेपन सिस्टम लॉज एग्जाम में सिर्फ लॉज पूछा जा सकता है दैट लॉज वॉज अ न्यूज वॉट इट इज इट इज जस्ट अ लेजर वेपन डिवलप्ड बाई यू एस खास क्या है इसमें खास ये है कि दिलीजर बेम इस कम्प्लीटली साइलेंट एंड इनविजिबल बहुत ही खतरनाक बहुत ही ताकतवर आप इसको कह सकते हैं ये साइलेंट और इनविजिबल होगा एंड दैट टू इसकी जो स्पीड होगी विच इज़ विच इज़ इक्वलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बेस्ट मिसाइल है उससे फिफ्टी थाउजेंड टाइम्स मोर स्पीड इसलिए आप उसको याद रखियेगा लॉस क्या है ये एक लेजर वेपन है किसने बनाया है यूएस ने बनाया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शॉरिया क्वेश्चन कैसे आएगा शॉर्य वॉज इन न्यूज वॉट इट इज कुछ भी नहीं है एक शिप है शॉर्य याद रखना है क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको बिकॉज इट इज अ फिफ्थ इन दीरिज ऑफ सिक्स वन जीरो फाइव मीटर ऑफ श्योर पेट्रोल वेसिल देखिए सिक्स बहुत सारी चीज़ें छः बन रही है ना स्कॉर्पियन भी हमने देखा कि छः बन रही है अब ये ओ भी जो हैं वो सिक्स टोटल बनने वाली हैं उसमें पाँचवीं है ये शौर्य शौर्य को कमीशन किया गया है गोवा में ठीक है और इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिजनसली बनाया गया है गोवा शिप के द्वारा ही बनाया गया है तो शौर्य से आप कोड बनाएं कैसे याद रखेंगे कि ये गोवा में है गोवा सिप के द्वारा ही बनाया गया है और ये एक कोस्ट गार्ड शिप है ठीक है शौर्य और कुछ भी नहीं है अगर आपके एग्जाम में आता है कि सब है मिसाइल है सेटेलाइट है तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये कोस्ट गार्ड शिप है बस इतनी सी बात याद रखेंगे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ आकाश मिसाइल कई बार पढ़ा है ना आपको याद आ गया आकाश मिसाइल के बारे में आकाश से आपको क्या रखना है ये आप जब भी सरफेस पे जब भी ज़मीन पे खड़े होते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं ना तो आपको आसमान दिखाई देता है दैट इज़ आकाश ठीक है तो आपको याद रखना है कि जो मिसाइल है इट इज़ वॉट इट इज सर्फिस टू एयर इट इज सर्फिस टू एयर मिसाइल कैसे याद रखेंगे ये सर्फेस टू एयर मिसाइल है गेस करें अब वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे एयर टू एयर लिखेगा तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सही है एयर टू एयर तो आसमान में ही होता है बट नहीं याद रखना है हम सर्फेस पे खड़े होते हैं तो हमें आसमान दिखाई देता है दैट इज सर्फेस टू एयर मिसाइल इज आकाश एंड इट इज अपर सोनिक सर्फेस टू एयर मिसाइल विच इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एरियल टारगेट लाइक क्रूज मिसाइल्स वन इम्पॉर्टेंट वन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट किसके द्वारा बनाया गया है डी के द्वारा बनाया गया हमने देखा कि नाग को भी डी ने ही बनाया है और वो भी पार्ट है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एंड दैट टू आकाश इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आई ठीक है इसकी रेंज क्या है इट इज रेंज ऑफ दिस मिसाइल इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर एंड कैन न्यूट्रलाइज टारगेट एट एल्टीट्यूड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर ठीक है तो ट्वेंटी किलोमीटर तक का एल्टीट्यूड है जिसको ये वेदर एरिया एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इसमें वनरेबल एरियाज में भी या कैसा भी वेदर हो इट कैन बी कैन बी यूज ठीक है तो आकाश से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने देख ली हैं नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल अस्त्र मिसाइल क्या होता है देखिए ये एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र को कैसे आप याद रख सकते हैं अस्त्र देखिए कि जब भी आप पुराने टाइम पे सीरियल देखते थे कृष्णा वगैरह आता था आपको याद होगा तो उसमें जो अस्त्र चलाए जाते थे आप उसको इस तरीके से सोचिए कि वो हवा में ही होते थे है ना इधर से अटैक हो रहा है फिर इधर से अटैक हो रहा है तो अस्त्र मिसाइल जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है याद रखना है इट इज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज बहुत कैपेबल है बिकॉज इट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज सिक्सटी किलोमीटर तक के रेंज को ये हिट कर सकता है एंड दिस मिसाइल कुड बी लॉन्च एट डिफरेंट एल्टीट्यूड अलग अलग एल्टीट्यूड से इसको लॉन्च किया जा सकता है इट इज डेवलप्ड बाय द मिसाइल कॉम्प्लेक्स एट हैदराबाद एंड सेवरल डी आर डी ओ लेबोरेटरीज इन द पार्टनरशिप पार्टनरशिप से बनाया गया है डी का तो नाम है ही तो उसको एलिमिनेट नहीं करना है डी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है यहाँ पे कोई और अगर ऑप्शन होगा तो आप उसको गेस कर लीजिएगा कि ये जो अस्त्र मिसाइल है अस्त्र मिसाइल को दो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है एक तो डी और दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिल बनाया है और साथ ही उनके साथ असिस्टेंट किया है इंडियन एयरफोर्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आई एन एस्तरासा इज आई एन इट इज़ अ वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट ठीक है और अभी इसको रिसेंटली इंडियन नेवी को मिला है और क्या बातें हम इसमें याद रख सकते हैं पहली बात किसने बनाया है आई एन तरासा को याद रखना है गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स कोलकाता कोलकाता के द्वारा बनाया गया है आई एन तरासा को ठीक है दूसरी बात क्या याद रखनी है दैट इसके पहले भी और शिप्स आ चुकी हैं तो ये एक शिप है ये वॉर वगैरह में इसका यूज़ किया जा सकता है एंड uh, इसके पहले जो शिप आई है उसका नाम है तार मुगली और तिहायु आपने पढ़ा भी होगा तो तार मुगली तिहायु और तिलान शांग पिछली बार आपने पढ़ा है तिलानग शांग टू में आया था तो ये तीन ऑलरेडी शिप्स हैं आ चुकी हैं और उसके बाद ये शिप है आई एन एस तलाशा इम्पॉर्टेंट है किसने बनाया डीआरडीओ ने नहीं बनाया है याद रखिएगा कोलकाता में जो है गार्डन रिच बिल्डर्स उन्होंने बनाया है इसको नेक्स्ट है आई एन एस कल्तान आई एन एस कल्तान उन्होंने पहले भी डिस्कस किया है कई बार देखिए ये थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ठीक है एंड इट इज बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 28 प्रोजेक्ट 28 के अंदर बनाया गया एक सब्मर, एक सबमरीन है ये और हम लोगों ने क्या देखा था प्रोजेक्ट 75 देखा था इसके पहले तो प्रोजेक्ट 75 में हमने क्या देखा था कि स्कॉर्पियन सबमरीन्स को डेवलप किया जा रहा है यहां पे क्या है आई एन एस कल्तान को प्रोजेक्ट ट्वेंटी के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और इट इज नेम्ड आफ्टर द कोरल आइलैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज को याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कोरल आइलैंड जो है लक्षद्वीप में उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है तो जाहिर सी बात है इसको अगर इतने एडवांस तरीके से बनाया गया तो बहुत एडवांस होगी ये साइलेंट किलर भी इसको आप बोल सकते हैं तो याद रखना है आइनिस कुल्तान के बारे में जो भी न्यूज हमने देखा है नेक्स्ट है निर्भया निर्भया को हमने कई बार डिस्कस किया है ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है क्या है निर्भया एक क्रूज मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है पहले तो ये डिफरेंस याद रखना है दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ये लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज तो इंडीजनसली डेवलप किया गया निर्भया एक पहला लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल होगा हमारे पास एंड इट इज़ एन ऑल वेदर लो कॉस्ट मिसाइल ऑल वेदर में ये काम कर सकता है हाईएस्ट एक्यूरेसी होगी इसकी इसका रेंज याद रखेगा मोर देन 1000 किलोमीटर है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बिकॉज का रेंज जो है वो मोर देन 1000 किलोमीटर है मिसाइल कैपेबल है ये इसको लॉन्च किया जा सकता है लैंड से सी से और एयर से हर जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है इसलिए आप ये बातें तो जरूर याद रखें निर्भया के बारे में नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सी बात है जो हमें याद रखनी है हमने कई बार डिस्कस किया है सबसे पहली बात सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस बहुत पावरफुल बहुत स्मार्ट याद रखिएगा ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर के नाम पे ब्रह्मोस रखा गया है इसका नाम तो इंडिया और रशिया का पार्टिसिपेशन है इसको गैस करना बहुत मुश्किल नहीं होगा इंडिया और रशिया का पार्टिसिपेशन है ऑन द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्को रिवर एंड इट इज़ द टू स्टेज मिसाइल फर्स्ट वन बींग सॉलिड एंड सेकेंड वन इज राम जेट लिक्विड प्रोपेलेंट इसके अलावा इसको भी फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे रखा जाता है इसको ऑपरेट किया जाता है एंड इसको लॉन्च किया सकता है लैंड से सी से सब सी एंड एयर से 300 किलोग्राम वॉरहेड्स को लेके जाने के लिए ठीक है कितना कैरी कर सकता है ये 300 हंड्रेड किलोग्राम तक का वॉर कैरी कर सकता है तो इट इज़ अग्नि अग्निफाइव मिसाइल के बारे में जान लेते हैं इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अग्नि अग्निफाइव क्या है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है एंड वॉर रिसेंटली टेस्ट फायर इस वजह से न्यूज़ में रही है और ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल सर्फेस टू सर्फेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है एक लाइन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है सर्फेस टू सर्फेस है इंटर कॉन्टिनेंटल है न्यूक्लियर कैपेबल है और बैलिस्टिक मिसाइल है चार बातें हैं याद रखना है पहला तो सर्फेस टू सर्फेस है सेकेंड न्यूक्लियर कैपेबल है एंड थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ठीक है इसके अलावा कितना ये रेंज तक जा सकती है याद रखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइव थाउजेंड किलोमीटर इससे भी ज्यादा जा सकती है ऐसा लोग कहते हैं अग्नि फाइव का रेंज कितना है फाइव थाउजेंड किलोमीटर तक का है इट कैन कैरी वन थाउजेंड किलो किलोग्राम वॉर ठीक है ये एक हज़ार किलोग्राम तक के वारेड को लेके जा सकता है मतलब मिसाइल लाइक अग्नि अग्नि 5 इज अ मोस्ट पावरफुल मिसाइल टिल वी हैव एंड रेंज बहुत ज्यादा है uh, warheads को लेके जा सकती है इसके अलावा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये याद रखना है फायर एंड फ़ॉगर सिस्टम पर काम करती है दैट कैन नॉट बी इज़ली डिटेक्टेड दैट इज वायर वेरी इंपॉर्टेंट और याद रखना है इंडिया डिस्क्राइब्स द अग्नि मिसाइल सिस्टम एज अ वेपन ऑफ पीस याद रखेगा ये लाइन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से मिसाइल को वेपन ऑफ़ पीस का नाम दिया है इंडिया ने डेट इज़ अग्नि फाइव मिसाइल आप गेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसके अंदर वो सारी कैपेसिटी है जो बहुत दूर दूर तक डिस्ट्रॉय कर सकती है चीज़ों को लेकिन इसको किस चीज़ का नाम दिया गया है वेपन ऑफ पीस का नाम दिया गया बिकॉज इंडिया इज अ सॉफ्ट कंट्री इंडिया नहीं चाहता है चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करना इसको कंस्ट्रक्ट करना पसंद है लेकिन अग्नि फाइव के बारे में याद रखेगा वेपन ऑफ पीस का नाम दिया गया है इसको साइड डेवलप की जा चुकी है तो अग्नि वन है जिसका मीडियम रेंज था ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि सारा बैलिस्टिक है याद रखना है इसमें कुछ भी याद करने वाली और बात नहीं है अग्नि फाइव जो था उसका रेंज बहुत कम था मीडियम रेंज का था वो अग्नि टू जो था वो इंटरमीडिएट रेंज का था अग्नि थ्री इंटरमीडिएट रेंज का ही था इसके अलावा अग्नि फोर वो इंटर है पाँच किलोमीटर तक का रेंज है और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट अग्नि सिक्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दैट टू टेन थाउजेंड किलोमीटर तक का रेंज डेवलप हो रहा है बन जाएगा तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा है ना तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बिंग विद मी है वॉचिंग डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है हमने आज बहुत सारी डिमांड भी थी कि जो सारे मिसाइल्स हैं याद नहीं होते हमारे क्लास के स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे जिस वजह से इसको एक जगह पर कंपाइल कर दिया गया विच इज आई होप कि बहुत हेल्प करेगा प्लीज़ सब्सक्राइब आर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन बहुत बढ़ता है और अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को और इस वीडियो के लिए तो खास करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से बिकॉज जो आपके फ्रेंड हैं फ्रेंड्स का एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा ये पहुंचा सकता है तो आप शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ आप किसी ग्रुप में हैं तो वहां पे शेयर कर दें उससे आपका भी फायदा होगा उनका भी फायदा होगा और अगर लोग हमारा वीडियोस देखेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत मोटिवेशन मिलता है थैंक यू वेरी मच कीप स्टार्टिंग